जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या अभी आप कर रहे हैं? आज यही मांग था, जिस प्रकार से जेएसएससी में जे एग्ज़ाम में सफला हुआ था, क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम होने से 2 घंटा पहले लीक हो चुका था। जो छात्रों ने यहाँ सभी छात्रों ने अपना मांग रखा था कि क्वेश्चन पहले लीक हुआ था, व्हाट्सएप में चल रहा था। इसमें ऐसा हुआ था कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पास ना होकर जो घपलेबाजी जो पढ़ भी करके वो लोग अपना जे बनना चाहता था, वो आज कहीं ना कहीं ऐसा है कि विरोध करने के बाद, मांग रखने के बाद मांग पूरी हुई है। इसलिए धन्यवाद के पात्र है हमारे जेएसएससी के चेयरमैन। अगला मांग भी रखेंगे कि झारखंड में जितना भी जेएसएससी का एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी एग्ज़ाम हो, और जिस तरह से जेएसएससी जे में जिस तरह से घोटाला घपला हुआ था ऐसा ना हो, यही हम लोग मांग रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। जेएसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट 3 जुलाई 2022 को जेई का एग्जाम हुआ था, 3 ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल का। इसमें 2 घंटा पहले ही क्वेश्चन का सर्कुलेट होने लगा था व्हाट्सएप पे, तो हम लोग ने एग्ज़ाम देके निकला। उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे जब पता चला कि ऐसा क्वेश्चन लीक हुआ है तो हमने इसके प्रति आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ उठाने के प्रति इसमें पुलिस प्रशासन भी और जेएसएससी का जो चेयरमैन है उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, और इसका प्रति उन्होंने नामकुम थाना में एक FIR दर्ज कराया। और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, खास करके मतलब रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम सर, उन्होंने इसको संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर उन्होंने मतलब जाँच पड़ताल शुरू किया, और उन्होंने सही पाया गया कि रियल में ये क्वेश्चन लीक हुआ है, और हम लोग रियल में क्वेश्चन लीक हुआ है, जिससे कि एक मतलब जो छात्र तैयारी करने वाले थे, जो कि छात्र थे कि रियल में नहीं, जो छात्र थे उन लोगों को पकड़ा कि रियल में 8 लाख 10 लाख मतलब 5 लाख जो क्वेश्चन बेचा हुआ था वो रियल में पकड़ा, और वो लड़का खुद ही पकड़ाया इसमें कि हाँ हम लोग ऐसा ऐसा किए थे। और ये कॉन्फ्रेंस करके हमारे ग्रामीण SP रांची के उन्होंने खुद ही कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाँ ये घटना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र हुआ है।